ये जो वोट परसेंटेज अभी आप देख रहे हैं, इसे जब हम सीटों में तब्दील कर देते हैं तो वो आंकड़ा क्या कहता है, अब जरा वो जान लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं मेरी सहयोगी शिरीन के पास। बिल्कुल अखिलेश, ये वोट परसेंटेज तो हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिया कि किस तरीके से 45% वोट शेयर जो है वो एनडीए और 42% वाईएसआर कांग्रेस को मिल रहा है, लेकिन अब ये सीटों में किस लिहाज से कन्वर्ट होता है, किसको कितनी सीटें दे रही है जनता, इस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। और देखिए अब आपके सामने तस्वीर सीटों की भी साफ हो गई है। 25 जो सीटें हैं, इन सीटों में से 20 सीधे सीधे एनडीए गठबंधन के खाते में और 5 सीटें वाईएसआर कांग्रेस को मिल सकती है। तो बड़ा नंबर, 20 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज करता हुआ एनडीए गठबंधन आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ 5 सीटें यहां पर वाईएसआर कांग्रेस को, और इंडिया गठबंधन का खाता भी यहां पर नहीं खुलेगा इस सर्वे के मुताबिक, और साथ ही अन्य के खाते में भी कुछ भी जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, शून्य का आंकड़ा। लेकिन 20 सीटें जो सीधे एनडीए गठबंधन को मिल रही है इस सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश में। अखिलेश, एनडीए को देखिए कितना बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो सर्वे है उसका इशारा आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर। आपके सामने जो तस्वीर सामने आ रही है, देखिए आंध्र प्रदेश में एनडीए के खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और प्रशांत जीएस इस वक्त मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो सर्वे है वो आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है, आंध्र प्रदेश से 20 सीटें आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। जरूर अखिलेश जी, क्योंकि हमारा जो अब की बार 400 पार करके स्लोगन है, 400 सीट लेना है तो आंध्र प्रदेश में भी 20 सीट लेना जरूरी होगा। अब इस बार भाजपा, जनसेना और टीडीपी तीनों मिलाकर जो पिछले 2019 का रिजल्ट देखा तो तीनों पार्टी को मिलाकर 46% का वोट परसेंटेज था, उसके वसीब भी 3 सीट मिला था बस। इस बार जब गठबंधन में आ गया एनडीए में, पूरा देश में जब मोदी जी का हवा चल रहा है, आंध्र प्रदेश लोगों के लिए भी परिवर्तन चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए। इसीलिए आप ये भी आश्चर्य मत होना कि 50% के ज्यादा लोग भाजपा, टीडीपी और जनसेना को वोट देंगे उधर। अभी एक और बात जो अभी चल रहा है, 2019 में दोनों टीडीपी और जनसेना बीजेपी के साथ नहीं थे, 2014 में थे 19 में तीनों पार्टी अलग अलग लड़े थे। उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा वोट शेयर जो था, वोट बैंक जो था, वो डिवाइड हो चुका था। इस बार सब कुछ इकट्ठा करके ठीक है, 400 सीट लेने में आंध्र प्रदेश से 20 सीट जरूर आएंगे। हाँ, एनडीए को 20 सीटें आती हुई दिख रही हैं और इसमें से 3 है बीजेपी की सीटें जो जानकारी हमें मिल रही है। डॉली शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉली जी, आप सुन रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता को, आपने सुना प्रशांत जी कह रहे हैं कि देखिए जो अब की बार 400 पार वाली बात हम कह रहे हैं उसकी लकीर हम इसी तरीके से खींच रहे हैं। साउथ इंडिया में भी देखिए गजब कर रही है बीजेपी। जी, कितना गजब किया, सुपड़ा साफ है साउथ इंडिया में, पहली बात। दूसरी बात, पिछली बार कितनी बीजेपी की सीटें थी वहाँ, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और जिस तरीके से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ज़मीन पर काम कर रहे हैं और जो 6 गारंटी हमने वहाँ लगातार डिलीवर की है, चाहे 500 का सिलेंडर हो, चाहे महिलाओं को 2500 रुपये हो, चाहे युवाओं को 5 लाख रुपये पढ़ने के लिए हो, चाहे वहाँ घर इंदिरा इंदलू जो हमारी स्कीम रही जिसमें 5 लाख आपको घर बनाने के लिए मिलता था, उस स्कीमों को देखकर लगातार तेलंगाना से जो आंध्रा में संदेश जा रहा है वो साफ है कि आंध्रा में भी बदलाव आने वाला है। मैं क्या बदलाव आने वाला, बदलाव तो दिख रहा है, देखिए आपके आंकड़ों को, ये जो इंडिया गठबंधन के खाते में 0-0 दिख रहा है, क्या बदल जाएगा आपके मुताबिक? आपने छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनवाई थी और छत्तीसगढ़ में भाजपा आ गई, तो आंकड़ों का तो ये हाल है, जमीन पर कांग्रेस है दिख रही है और आप देखिएगा बदलाव आएगा जमीन पर, और ये तो है, आंकड़े भी आपके बदलेंगे, वोट भी कांग्रेस को मिल रहा है, सवाल तो ये है। आप देखिए तेलंगाना में मैंने कहा हमारी सरकार है और जिस तरीके से आंध्र और तेलंगाना में लोग देख रहे हैं कि तेलंगाना के लोगों को आज रोजगार मिल रहा है, उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, महिलाओं को फ्री बस सर्विस मिल रही है, लोग आज डिलीवरी चाहते हैं, युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, तो ये बदलाव आप देखेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।